नमस्कार, प्रदेश है 360 पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। कुशीनगर में भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य से बदसलूकी की गई, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने संघमित्रा मौर्य से बदसलूकी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रचार के लिए संघमित्रा मौर्य गई थी और उसी दौरान बताया जा रहा है कि ये बदसलूकी हुई है। बड़ी जानकारी, डंडा लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने गई थी संघमित्रा मौर्य। ये तमाम जानकारियां निकल कर आ रही हैं, जहां डंडा देखकर बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और ये झड़प हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले के हमले के बाद मौके पर पहुंची थी संघमित्रा मौर्य। बताइए, उसे भाजपा सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, जो कि फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। पिता के चुनाव प्रचार में फाजिल नगर संघमित्रा मौर्य आई थी और इस दौरान उनसे ये बदसलूकी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के लोगों ने संघमित्रा के साथ बदसलूकी की है अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, जहां उन्होंने इसके बाद बयान भी दिया और जो उनके काफिले पर हमला हुआ उसकी निंदा करते हुए कहा कि जनता ये देख रही है और भारी मतों से उनके पिता को जरूर जिताएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर में भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ बदसलूकी हुई, डंडा लेकर वे पहुंची थी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस दौरान उनके साथ बदसलूकी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से संघमित्रा मौर्य जब वहां पहुंची, वहां मौजूद लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही उनके साथ नोकझोंक की। कुशीनगर में भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य से ये बदसलूकी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किस तरह से संघमित्रा मौर्य से बदसलूकी की, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रचार में गई थी संघमित्रा मौर्य और डंडा लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से जब वे मिलने पहुंची तो डंडा देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया रही है संघमित्रा मौर्य के प्रति, ये भी आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही ये कार्यकर्ता संघमित्रा पर हावी होते नजर आए। दरअसल फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर आज पथराव हुआ था, जिसमें तकरीबन 12 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन्हें नुकसान पहुंचा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का ये आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद समर्थकों के साथ जा रहे थे कि तभी खलवापट्टी गांव में ये घटना घटी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गोदरिया बाजार में सड़क जाम कर दिया। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी डंडा हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है, मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है, सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा है। क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मैं मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई, मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिसे मैं चलता हूँ, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। लेकिन इस हमले के बाद भाजपा सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने जिस तरह से इस हमले के प्रति अपनी नाराजगी जताई, अपनी ही पार्टी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, उससे कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। साथ ही इसके तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। संघमित्रा ने यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं को गुंडा मवाली बताया है।
हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और जब वहाँ पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहाँ से बचा के आई है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा है कि वो अपनी हार से घबरा गए। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान भी दिया। सही बात यह है कि वह हार से घबरा गया है और अपने साथ में जितनी भी गाड़ियां लेके चल रहा है, सब गाड़ियां बाहरी नंबर की हैं, 5000 नंबर की हैं, 32 की है, 80 नंबर की गाड़ियां हैं वो, और सारे बाहरी गुंडे लेके घूम रहा है वो। काफिला हम लोगों का बहुत लंबा काफिला था, वह देख करके उसको ईर्ष्या हुई और उसके गुंडे जो है हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिए। उसमें हम लोग की काफ़ी सारी गाड़ियाँ टूटी हुई हैं, चोटें आई हैं, एक लड़का जो है भर्ती है अस्पताल में। तो हमें तो यह लगता है कि वह माहौल बनाना चाहता है कि हम किसी तरह से मारा पीटी कर करके और एक भाजपा के प्रत्याशी को दबा देने का प्रयास कर रहा है वो, उसको उसके लोगों को उसे गुंडों को, कि फाजिल विधानसभा जो है शांतिप्रिय विधानसभा है, वो आ करके जो माहौल बनाया है इसकी सजा उसको मिलेगी। उधर इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। ये हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेमानी है। ये अखिलेश यादव का इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने साफ जाहिर किया है कि किसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद उनसे नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए आज प्रचार अभियान खत्म हो गया। अब 3 मार्च को पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बलिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले शामिल हैं, जहां 6ठे चरण के चुनाव के लिए 2 दिन बाद मतदान होना है। 6ठे चरण में कुल 2,14,00,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1,14,00,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 99,98,000 महिला वोटर शामिल हैं। 6ठे चरण के चुनाव के लिए 13,929 पोलिंग सेंटर हैं, 25,319 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 3 मार्च को होने वाले चुनाव में कुल 676 प्रत्याशी मैदान में हैं। छठे चरण के चुनाव में भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला वोटर करने वाले हैं। 6ठे चरण में गोरखपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा देवरिया की पथरदेवा सीट से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और देवरिया सदर से भाजपा नेता शलभमणि त्रिपाठी के अलावा हॉट सीट बलिया सदर से सपा के नारद राय और भाजपा के दयाशंकर सिंह, और साथ ही बलिया की फेटना सीट से दिग्गज सपा नेता राम गोविंद चौधरी के अलावा कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य, फेटना से यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी और सिद्धार्थनगर की बासी सीट से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मैदान में हैं। इनके साथ ही अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से सपा के रामचर राजभर, भदोई की ज्ञानपुर सीट से जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा और अंबेडकर नगर की कचहरी सीट से लालजी वर्मा की भी किस्मत का फैसला 3 मार्च को वोटर करने वाले हैं। बलिया सदर सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। यहां सपा के प्रत्याशी नारद राय और भाजपा के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो वैसे कितनी सीटें
साथ में साथ समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप देखिए इसी तरह का माहौल पूरे बलिया में हर विधानसभा में। कहते हैं कि बलिया ने जिसको जिता के भेजा उसको तो मंत्री बना दिया गया, तो इस बार तैयारी समझे? देखिए ये तो माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है कि क्या बलिया में मंत्री बनूं न बनूं, बलिया का विकास जो भाजपा ने अवरुद्ध करा दिया 17 से 22 तक उसको पूरा कराऊंगा। देखिए नारद राय जी भी मेरे गांव के ही हैं। हाँ वो नारद राय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नारद जी वो खुला गए हैं और नारद जी के परिवार के लोग भी उनके घर पर भी मेरा भाजपा का झंडा लगा हुआ है। आप जाकर के उनके जो पैतृक आवास है वहाँ पर आप देखिए कि भाजपा का झंडा है। जो शहर में वो घर बनाए हैं उनके चारों तरफ आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है, तो वो बौखलाहट में बोल रहे हैं। यूपी विधानसभा का सफर अब पूरे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव वाले इलाके पूर्वांचल में पहुंच चुका है और राजभर भी सपा गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ओम प्रकाश राजभर मऊ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और भाजपा पर एक बार फिर से वे हमलावर दिखे। बाबा शिक्षा पे बात नहीं कर सकते, रोजगार पे बात नहीं कर सकते, उनके ललका सांड जो घूम रहे हैं उससे हम किसानों को कैसे निजात पहुंचा दें, नौजवानों को रोजगार कैसे दे दें, प्रदेश में देश में बढ़ती हुई महंगाई से कैसे हम निजात दिला देंगे। संविधान है, संविधान से देश चल रहा है, संविधान के दायरे में जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम ये काम कर रहे हैं। योगी बाबा बुलडोजर चलावें चाहे वो पोपलैंड चलावें, और उनसे अगर पूछा जाए कि खाली ये जाति चीन के चलाते हो, अगर उनके नेता से पूछिएगा योगी बाबा से कि जाति चीन के चलाते हो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पे चलेगा, ब्राह्मण पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन योगी जी के बिरादर पे क्यों नहीं चलेगा? 100% पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आप जहां खड़े हैं मऊ में चारों सीट जीत रहे हैं, बलिया के सातों जीत रहे हैं, आजमगढ़ की दसों जीत रहे हैं, अम्बेडकर नगर पांचों जीत रहे हैं, गाजीपुर की सातों जीत रहे हैं, बनारस में 6 जीत रहा हूं, दो दिन के बाद बता देंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला लगातार जारी है। इस बीच अभी भी वहां तमाम भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जबकि कई यूक्रेन से वापस भारत भी लौट आए हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, जहां यूक्रेन से वापस लौटने के बाद भारतीय स्टूडेंट्स और उनके परिजन काफी खुश हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है जहाँ एयरपोर्ट पर यूक्रेन से वापस लौटे अपने बच्चे को देख कर उनके परिवार के लोग गले लगाकर खुशी से रोने लगे। दूसरी तस्वीर हाथरस की है, यहाँ MBBS की पढ़ाई कर रही शिवानी के यूक्रेन से वापस आने के बाद वो और उनके परिजन काफी खुश हैं। तीसरी तस्वीर मुरादाबाद की है जहां ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से वापस वतन लौटने वाले छात्र ने वहां की आपबीती सुनाई। चौथी तस्वीर बरेली की है, यहां यूक्रेन से सुरक्षित लौटते स्टूडेंट्स काफी खुश हैं, सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। पांचवी तस्वीर फिरोजाबाद की है जहां यूक्रेन से लौटने की खुशी छात्रा और उनके परिजनों के चेहरे पर साफ दिख रही है। तो इन पांचों तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर वापसी से ये छात्र और इनके परिजन कितने खुश हैं।